हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कुशल एंड आई एम हियर विद वन मोर वीडियो ऑन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर। ये स्टूडेंट्स, आई विल रिकैप्चुलेट द थिंग्स वी रेड इन प्रीवियस वीडियो। आई टोल्ड यू दैट द वॉयजर्स प्रिपेयर देमसेल्व्स मेंटली, दे डबल लैश्ड एवरीथिंग and they prepared their life-saving boats, attached lifelines, put on waterproof clothes and life-saving jackets. And in this way, they waited for the impending disaster. Impending means आने वाले, आने वाले खतरे का उन्होंने इस तरीके से wait किया। ठीक है, तैयार हो गई, चलो भाई आओ, कौन सी मुसीबत आएगी, हम face करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। सो फर्स्ट जो इंडिकेशन आया, इंडिकेशन होता है संकेत, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग होता है अप्रोचिंग, इमिनेंट और कमिंग, जो आने वाला डिजास्टर था, विनाश था, उसका पहला संकेत कब आया, एट अबाउट 6 PM। वो 6 PM को आया बेटा। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द अप्रोचिंग डेंजर केम ऑन 2 जनवरी, ऑन 2 जनवरी एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। एंड द इंडिकेशन ऑफ द कमिंग डेंजर केम विद ओमिनस साइलेंस, मीन्स इन ऑस्पिशियस साइलेंस, अनलक्की साइलेंस, ओमिनस जो अशुभ हो, अनलक्की हो। ठीक है, तो जैसे कि खामोशी से छा गई, और कोई भी खामोशी एक आने वाले तूफान का संकेत होती है ना। तो इस तरीके से पहला ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द कमिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM ऑन 2 जनवरी एंड इट केम विद एन inauspicious silence. The wind dropped, the wind stopped, and the sky immediately grew dark, and the sky at once became dark, darkness spread in the sky. Okay, and then came a growing roar, and an enormous cloud towered aft of the ship. Aft means back part of the ship, or ठीक है, टावर मीन्स यहाँ पर हम लेंगे लाइक ए टावर और अपीयर, ठीक है, जो एक टावर की तरह, टावर जैसे ऊंचा होता है, तो यहाँ पर मतलब जहाज के ऊपर, जहाज के आफ्ट के ऊपर, पिछले हिस्से के ऊपर टावर हो गया, छा गया, मतलब क्या छा गया, इनॉर्मस क्लाउड, एक बहुत बड़ा बादल। ठीक है, एक ग्रोइंग रोर भी हुई, गर्जना सी भी हुई, और गर्जना के बाद एक बड़ा सा बादल और शिप के पिछले हिस्से पर अपीयर हो गया। ठीक है, तो टावर यहां पर हम अपीयर की सेंस में यूज करेंगे। देन केम अ रोरिंग साउंड, देन केम अ रोरिंग साउंड और ग्रोइंग रोर, एंड देन अ वेरी बिग क्लाउड अपीयर ओवर द बैक पार्ट ऑफ द शिप विद हॉरर। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर I had ever seen. तो writer was afraid. The writer got scared. एकदम डर गया, और he realized, उसने realize किया that it was not a cloud. That it was actually not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. है ना, उसने ये महसूस किया कि ये तो भाई कोई वो नहीं था, क्लाउड नहीं था, ये तो एक्चुअल में वेव थी, और इतनी ऊंची वेव थी कि जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, सून ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, एक्चुअली इट वॉज अ बिग वेव, एंड इट वॉज सच अ बिग वेव ही हैड नेवर सीन। ठीक है, विच ही हैड नेवर सीन, इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल अपियर्ड हो गए बिल्कुल, इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऑफ द रेस्टिंग पोजिशन, वर्टिकल स्टैंडिंग वाली जो पोजिशन होती है, तो बिल्कुल सीधी थी ये वेव, दिस वेव वॉज क्वाइट
vertical, perfectly vertical, and almost and had almost the double height of the other waves. जो पहले waves उठ रही थी समुद्र में उनसे डबल हाइट की थी ये, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट एंड इट सीम दैट अ ब्रेकिंग क्रेस्ट वॉज फॉलिंग डाउन वेन द वेव केम डाउन. ओके, जब ये लहर नीचे गिरी, लहर का पानी नीचे गिरा, तो ऐसा लगा जैसे ब्रेकिंग क्रेस्ट हो. ये क्रेस्ट होता है द टॉप ऑफ ए माउंटेन और कोई चोटी, जैसे पहाड़ी की चोटी. ठीक है, तो कोई जैसे पहाड़ी की चोटी से टूट करके जो मलबा है वो नीचे गिर रहा हो. ठीक है, इस तरीके से इसको ये लगा. द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड सून द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर मीन्स the roar increased and it increased to a thunder. Roar इतनी बढ़ गई कि ये thunder में बदल गई. ठीक है, as the stern, thunder का गर्जना जैसे. ठीक है, as the stern moved up the face of the wave, और फिर stern ने मतलब क्या कर दिया, wave के face को actual में change कर दिया. तो stern से टकरा करके और wave का जो face था वो change हो गया. लहर उठी, लहर स्टर्न से, बैक पार्ट से, स्टर्न होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप, शिप के बैक पार्ट से लहर टकराई और लहर का फेस ही क्या हो गया, चेंज हो गया. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ व्हाइल द नैरेटर वो स्केयर्ड एंड ही थॉट दैट दे वुड राइड, दे माइट राइड ओवर द वेव, कि ऐसा लगा एक बार कि भाई वो वेव जो है उनके जहाज को ही ऊपर उठा देगी, वो उस वेव के ऊपर ही राइड करने लग जाएंगे, ऐसा उसके लगा, उसे लगा. बट देन इट ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और तभी क्या हुआ उसके बाद ही, जैसे देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, बट जस्ट देन ट्रिमेंडस होता है बहुत बड़ा, एक्सप्लोजन होता है बर्स्ट, विस्फोट, बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ जिसने शुक कर दिया डेक को ही. डेक द ओपन पार्ट ऑफ द शिप, शिप का जो ओपन पार्ट होता है उसको डेक बोलते हैं. ठीक है, तो जस्ट देन अ बिग एक्सप्लोजन शुक द डेक ऑफ द शिप. ठीक है, शिप के डेक को ही मतलब हिला दिया. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. क्या हुआ भाई, ये विस्फोटक, ये विस्फोट जो हुआ ये क्या था, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ था एक्चुअली, देखो लेट मी टेल यू. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. टोरेंट होता है बेटा स्ट्रीम, धारा, पानी की धारा, STREAM, स्ट्रीम ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर. ब्रोक ओवर मीन्स एंटर्ड. ठीक है, अ स्ट्रीम ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर एंटर्ड द शिप एंड इट कॉज्ड दैट एक्सप्लोजन. जब पानी की लहर ऊपर उठी और वो लहर अब इसके अंदर, जहाज के अंदर गिरी, जिसकी वजह से पूरा शिप ही क्या हो गया, हिल गया, शुक हो गया. एंड इट कॉज्ड दैट एक्सप्लोजन, है ना, ये एक्सप्लोजन इस पानी के यानी लहर के शिप में एंटर करने की वजह से हुआ. माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील. मेरा सर टकराया जाके इनटू द व्हील, उस व्हील में. ठीक है, शिप के व्हील में उसका सिर टकराया. क्यों, मतलब जैसे राइटर बैठा हुआ था, तो कई बार होता है ना, हम ट्रेवल कर रहे होते हैं और हम बैठे हुए होते हैं तो एकदम से झटका लगता है और हम मतलब जो है हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है. तो सेम हैपन विद द राइटर, ऐसा ही हुआ उसके साथ भी, राइटर के साथ भी, कि when a torrent of water entered the ship, it shook it completely and then it struck his head against the wheel. इससे जो है उसका सिर टकरा गया, किससे, व्हील से. And I was aware of flying overboard. And then after striking against the wheel, he was thrown overboard. Let me tell you one thing here. ऑन बोर्ड मीन्स जहाज पर,
ओवरबोर्ड मीन्स जहाज से बाहर, ठीक है। तो वो जो है टकराया, उसका सिर पहले तो व्हील से टकराया, एंड देन ही वॉज फ्लाइंग, देन ही वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, फिर वो जहाज से बाहर फेंक दिया गया। मतलब पहले व्हील से टकराया, टकरा करके जैसे बाउंस हो जाता ना, इसी तरीके से वो भी बाउंस हो गया और जहाज से बाहर गिर गया, मतलब ठीक है। जहाज मतलब भी इम्बैलेंस हो रहा था और वो उस जहाज से बाहर ही गिर गया एक्चुअली, ठीक है। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और देन ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स एट सी। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, द राइटर वॉज अफ्रेड एंड ही थॉट दैट ही वुड डाई, ही कुड फील हिज अप्रोचिंग डेथ, वो अपनी अप्रोचिंग डेथ को फील कर सकता था, एक्सेप्ट कर लिया उसने, ही एक्सेप्टेड दैट ही वुड डाई नाउ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, एंड देन ही वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, ही वॉज लूजिंग हिज सेंसेस एंड ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सी हाउ फिजिकली ही वॉज शैटर्ड ड्यू टू दिस डिजास्टर, कि किस तरीके से फिजिकली उसको जो है मतलब हिट किया गया स्टॉर्म के द्वारा, वेव्स के द्वारा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर, हाउएवर द ऑथर थॉट दैट ही वुड डाई, है ना, बट कंट्रारी टू हिज एक्सपेक्टेशन ही हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर, हिज हेड अपीयर्ड आउट ऑफ वॉटर, पानी से बाहर निकला उसका सिर, एंड अ फ्यू मीटर्स अवे वेव होकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मीन्स अबाउट टू ओवरटर्न, जो ओवरटर्न करने वाली हो, पलटने वाली हो। ही सॉ दैट अ फ्यू मीटर्स अवे हिज वेव होकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न, अबाउट टू कैप्साइज, वो कैप्साइज करने वाली थी, लहरों की वजह से बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, मतलब ठीक है, तो बिल्कुल ही पलटने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मास्ट था, उसके जो मास्ट, मास्ट वो पोल होता है जो जहाज में, वो ऐसे ऐसे वर्टिकल होता है, पर जहाज ऐसे बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, मतलब तो इस तरीके से मान लो ये जहाज है, तो ये इस तरीके से टेढ़ा हो गया था, तो जो मास्ट है, मास्ट ये इस पोजिशन में आ गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, मतलब कि इस तरीके से आप लगा ली, इस तरीके से ऑलमोस्ट जो है ये हॉरिजेंटल हो गया, है ना, तो जहाज इस तरीके से यूं टेढ़ा हो गया, देखो क्लियर, तो इस तरीके से मान लो ये टेढ़ा हो गया, बिल्कुल ऐसा पलटने वाली थी, आप समझे इसको अच्छे से। तो हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, देन अ वेव हर्ड अप, हर्ड हर अपराइट, बट जस्ट देन, जस्ट देन अ वेव अरोज एंड इट हर्ड द शेप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा कर दिया, है ना, इसी साइड से जो है वेव उठी और वेव ने शिप को, ये जो शिप है इसको एकदम से सीधा कर दिया, ठीक है। जो पहले ये ऐसे ऐसे हो रखा था, ये सॉरी पहले ये थोड़ा सा ऐसे था इस तरीके से, तो ये लहर उठी और लहर के उठने से ऐसे शिप सीधा हो गया, ठीक है। एंड माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, टॉट मीन्स होता है स्ट्रेट, टॉट मीन्स स्ट्रेट, हिज हेल्प लाइन, हिज लाइफ लाइन, हिज लाइफ लाइन बिकेम टॉट विद ए जर्क, जर्क होता है झटका लगना, उसकी लाइफ लाइन में एकदम झटका लगा, और लाइफ लाइन जैसे वो रस्सी टाइप से मतलब अटैच्ड है शिप से, तो वो नीचे जैसे गिर गया था लहरों में, है ना, तो अब जब एकदम लहर ने वेवोकर को सीधा किया, तो सीधा होने से वो रस्सी में खिंचाव हुआ, और उसकी जो लाइफ लाइन थी, यानी वो रस्सी लगाओ कि भाई वो रस्सी जो थी वो एकदम से क्या हो गई, टॉट सीधी हो गई, तन गई मतलब सीधी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड ही कॉट द गार्ड रेल्स, जो रेलिंग होती है जहाज की, वो उनको उसने ग्रैब किया, ग्रैब मीन्स कॉट, ठीक है। ही कॉट द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू द वेवोकर्स मेन बूम, एंड इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दैट लाइफ लाइन ही sailed through the air and reached वेवोकर्स main boom, और वो वेवोकर्स के main boom में पहुंच गया, ठीक है। students, let me
let me show you what is boom. This part is boom. It is written here. और जो मैंने आपको ये भी बताया था कि mast जो होती है वो mast क्या होती है, देखो ये this pole is called mast. ये जो pole दिख रहा है आपको, ठीक है, और देखो ये जिब, ये जो है जिब होती है ना, ये ट्रेंगुलर शेप का जो कपड़ा लगा होता है इसके ऊपर, और दिस इज मेन सेल, ये आपकी जो है बड़ी सी जो होती है दैट इज मेन सेल, ठीक है. तो इस तरीके से आपके लिए आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो कम टू द टेक्स्ट नाउ. फिर क्या हुआ कि वो आ गया मेन बूम पर, सॉरी वो मेन बूम पर आ गया, ठीक है. सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल एंड द वेव्स विच अरोज लेटर बाउंस्ड हिम और टोस्ड हिम, उसको उछाल दिया बाद में आने वाली, सब्सिक्वेंट होता है बाद की, तो बाद में आने वाली लहरों ने उसको टॉस कर दिया, उसको बाउंस कर दिया, उसको उछाल दिया अराउंड द डेक, डेक के आसपास ही, लाइक ए रैग डॉल, ऐसे उछाला जोर से जैसे वो एक रैग डोल, मतलब कपड़े की गुड़िया, ठीक है. कपड़े की गुड़िया तो बड़ी, अगर बाउंस करेगी तो बहुत तेज जाएगी, तो हालांकि वो इंसान था देखो, लेकिन वो एक रैग डोल की तरह जो है उसको उछाल दिया गया. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड एंड एज अ रिजल्ट हिज लेफ्ट रिब्स स्मैश्ड, वो थोड़े स्मैश हो गई, वो उनमें चोट लग गई मतलब, है ना. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड, हिज मीन्स हिज टीथ गॉट ब्रोकन एंड हिज माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड, फुल ऑफ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. ओके, सम हाउ आई फाउंड द व्हील, और किसी तरीके से कहता है मैंने व्हील को मतलब पाया. Lined up the stern and then he lined up means line में करना, यानी सीधा करना, arrange करना. Then he arranged the stern, उसने जहाज के stern को arrange किया for the next wave and hung on, ठीक है. He lined up the stern for the next wave and hung on, means लहरों को का सामना करने के लिए उसने stern को lined up किया, सीधा किया जहाज के, और इस तरीके से जो है ही वेटेड ऑन, हंग ऑन मीन्स वेटेड ऑन, ठीक है. सी स्टूडेंट्स, द राइटर वॉज फिजिकली हार्ट उसको लगा था बहुत जोर से, कि भाई जैसे उसकी आप ये बताएंगे हिज रिब्स रिब्स क्रैक्ड, हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, ठीक है. ये आप इसमें लिखेंगे कि फिजिकली हार्ट, ठीक है. वाटर वाटर एवरीवेयर आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो एंड बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. सो देखिए देर वॉज वाटर एवरीवेयर, है ना, द सेम लाइन्स, वाटर एवरीवेयर बट नो ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना. ये आपने पढ़ा भी होगा राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. So here the reference is different. So students, there was water everywhere water everywhere, and I could feel that the ship had water below, and the writer perceived that the ship had taken in water, okay, the lower part of the ship had taken in water, but I dared not abandon means gave up. अबेंडन क्या होता है, गेव अप, छोड़ना. बट ही कुड नॉट लीव द व्हील, वो व्हील को नहीं छोड़ सका, टू इन्वेस्टिगेट टू प्रॉब, ठीक है, टू चेक इफ द लोअर पार्ट ऑफ द शिप वॉज रियली फ्लडेड, तो वो ये देखने के लिए कि भाई क्या वास्तव में ही शिप का निचला पार्ट जो है पानी से भर गया था, ये चेक करने के लिए वो व्हील को अबेंडन नहीं कर पाया, ठीक है. नेविगेशन करनी थी उसको, तो इस वजह से वो नहीं जो है छोड़ पाया, ठीक है. द एंड सो सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, देन ऑल एट वंस द फ्रंट हैच, हैच मीन्स डोर, द फ्रंट डोर वॉज थ्रोन ओपन, द फ्रंट डोर वॉज सडनली ओपन्ड एंड मैरी अपियर्ड थ्रू दैट हैच, उस हैच में से, उस डोर में से मैरी आती है,
ठीक है, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम एंड शी डिक्लेयर्ड दैट दे वर सिंकिंग, दे वुड सिंक, उसने बोला कि वो डूब रहे थे, वो डूब जाएंगे, मतलब द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वॉटर, शी सेड दैट द डेक्स वर स्मैश्ड एंड दे वर फुल ऑफ वॉटर, शी सेड दैट द डेक्स had got broken and the ship was taking water and it was full. I shouted as I scrambled for the hatch. Then the narrator asked his wife to help in navigation. She asked her to take the wheel. है ना कि भाई तुम इस व्हील को संभालो, तुम नेविगेशन में हेल्प करो. एंड देन ही शाउटेड, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और उसने जोर से बोला, क्या टेक द व्हील वाली बात है, शाउटेड करके बोला. एंड देन ही स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, स्क्रैम्बल्ड होता है टू मेक वे विद डिफिकल्टी और टू क्लाइम विद डिफिकल्टी, मुश्किल से चढ़ना. उसने हैच के लिए अपना रास्ता बनाया बड़ी मुश्किल से, मतलब ही reached the hatch with difficulty. ठीक है, Larry and Herb were pumping like madmen. At that time, Larry and Herb means the crewmen, both are crewmen. Larry and Herb were pumping water like crazy men. They were extracting water from the ship. ठीक है students, the ship was flooded. So they were extracting the water from it. Ship से पानी बाहर निकाल रहे थे वो. Broken timbers hung at crazy angles. And the parts of the ship were broken now. And now broken timbers होती है लकड़ियाँ. ठीक है, hung at crazy angles. The broken timbers hung at different angles. अलग अलग angles पर इधर उधर वो लकड़ियाँ जो है वो लटकी हुई थी टूट के, मतलब. ठीक है, एंड द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इन वार्ड, एंड द होल स्टारबोर्ड राइट साइड ऑफ द शिप. ठीक है, स्टारबोर्ड मीन्स राइट साइड ऑफ द शिप, शिप का जो राइट साइड होता है उसको स्टारबोर्ड बोलते हैं. देन द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इन वार्ड, बर्स्ट मीन्स होता है बेंट, झुक जाना. द स्टारबोर्ड बेंट इन साइड, वो अंदर की तरफ झुक गई. क्या झुक गया, स्टारबोर्ड यानी कि राइट साइड. क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, स्टेन्स, टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वॉटर, एंड देयर क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, स्टेन्स एंड टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन स्लोज्ड अबाउट इन डीप वॉटर. स्लोज्ड होता है गोता खाना जैसे. ठीक है, जब पानी में चीजें गिर गई, मतलब ये, और पानी में गोता खा रही थी सब चीजें उनकी. ठीक है भाई, क्लोथ्स है उनके, क्रॉकरी है, चार्ट सटीन से, यू कैन इमेजिन द सीन. आई थिंक यू विल हैव सीन टाइटैनिक एंड यू मे हैव सम इमेजिनेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ द मूवी टाइटैनिक. यस स्टूडेंट्स, आई हाफ स्वैम, तो कहता है मैं आधा तैरता हुआ हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, है ना. हाफ स्वैम और हाफ क्रॉल्ड, क्रॉल करना डिफिकल्टी से चलना, चल के जाना. तो वो हाफ स्वैम करता हुआ, हाफ क्रॉलिंग करता हुआ चिल्ड्रंस कैबिन में पहुंच गया. द राइटर वेंट टू द चिल्ड्रंस कैबिन हाफ स्वैम एंड हाफ क्रॉलिंग. ठीक है, थोड़ा कुछ तैरता हुआ, क्योंकि पानी भर गया था तो एक तरह से वो तैरना सही हो गया, और उसमें से चल के भी गया डिफिकल्टी से. आर यू ऑल राइट, आई आस्क. देन द राइटर इंक्वायरीड वेदर देवर ऑल राइट. Yes, they answered from an upper bunk. The children replied that they were all right. है ना, they were sitting on the upper bunk. Bunk जो होती है वो shelf like जो bed होता है. ठीक है, उस पर बैठे हुए. And they responded positively. Means they said that they were all right. But my head hurts a bit, said Sue. Then Sue told her father that her head struck against the wall of the ship. ठीक है, pointing to a big bump above her eyes. And she made a gesture
towards a big bomb just above her eyes. अपने पापा को इशारा करते हुए बताया कि भी उसकी आंखों के ऊपर एक बम्प सा हो गया था, बम्प जो सूज जाता है, स्वोलन पार्ट, ठीक है ना, तो उसकी आंखों के ऊपर जरा सूज गया था वो उसने दिखाया. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स बट द नैरेटर हैड नो टाइम टू लुक एट बम्प्ड हेड्स एंड टू टेंट हिज डॉटर. ठीक है, उसके पास टाइम नहीं था अपनी बेटी को देखने का, उसकी चोट को देखने का या उसको संभालने का. ठीक है, एंड सी स्टूडेंट्स हाउ ब्रेव शी वॉज, हाउएवर शी डिडंट क्राई, शी डिडंट बिकम अ ट्रबल, शी डिडंट पोज अ ट्रबल फॉर हर फादर. ठीक है, शी वॉज ओनली 7 ईयर ओल्ड बट डिड नॉट पोज एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी अपने पापा के लिए वो. ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. द राइटर टुक अ हैमर, हैमर होता है हथौड़ा, एक टूल होता है, औजार होता है. ठीक है, हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं, स्क्रूज पेंच वगैरह उसने लिए, कैनवास वाटर प्रूफ क्लॉथ. देन ही टुक अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक ही reached on deck with difficulty. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. And the starboard side was quite open now. It was damaged, so they were taking water with each wave. And if I couldn't make some repairs, we would surely sink. The writer felt that if he had not made some writer felt that if he did not make some repairs, they would surely sink. Okay, ये कुछ उसने changes नहीं किए तो वो डूब जाएंगे, उसको ऐसा महसूस हुआ. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Then the writer somehow managed to spread the canvas. उसने canvas को spread कर दिया उस तरपाल, कैनवस होता है वाटरप्रूफ क्लॉथ जिसको हम बोल रहे हैं, ये होता है तरपाल जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जो बड़े बड़े गैपिंग होल्स थे उनको कवर कर दिया उसने उस कैनवस से. ठीक है, और कैनवस से कवर करके उस स्क्रूज वगैरह का यूज करके मतलब उसने ये रिपेयर कर दिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. तो उसने stretch कर दिया canvas को waterproof जो hatch covers हैं उससे gaping holes को सब cover कर दिया. ठीक है, some water continued to stream below but still some water was entering. But most of it was now being deflected over the side. But it was a good thing that most of the water was deviated. The direction of most of the water was deviated. जो direction थी उसकी थोड़ी change हो गई थी, ज़्यादातर पानी की direction को deflect कर दिया गया था, यानी कि deviate कर दिया गया था. More problems arose. This line is very important. You may be asked questions, है ना? More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. देखिए, the ship was broken, it was flooded with water, है ना? And more problems arose. Arose means increased, बढ़ गई. More problems increased. When our hand pumps started to block up with the debris. Debris होता है waste, मलबा, कचरा. ठीक है, मलबा होता है डेब्रिस. तो जब उनके हैंडपम्प्स जो थे वो ब्लॉक हो गए, और किससे ब्लॉक हो गए, डेब्रिस से, मलबे से, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, जो कैबिन्स के इधर उधर तैर रहा था, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जब इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड हो गया तब उनकी समस्याएं बढ़ गई. देयर प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड व्हेन देयर हैंडपम्प्स वर ब्लॉक्ड विद द डेब्रिस.
विद द वेस्ट फ्लोटिंग इन द शिप एंड द इलेक्ट्रिक पंप वॉज शॉर्ट सर्किटेड. और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. द वॉटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ द वॉटर रोज थ्रेटनिंगली अलार्मिंगली. थ्रेटनिंगली मीन्स अलार्मिंगली. एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ वॉटर इंक्रीज्ड अलार्मिंगली. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड एंड ही वेंट ऑन डेक. देन ही फाउंड दैट देयर टू स्पेयर एक्स्ट्रा, स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा, देयर टू एक्स्ट्रा हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. रेंच्ड मीन्स थ्रोन, ओके, रेंच्ड मीन्स थ्रोन, फेंक दिए गए थे. तो ही फाउंड दैट देयर टू एक्स्ट्रा हैंड पंप्स वर थ्रोन ओवरबोर्ड. ओवरबोर्ड मैंने आपको पहले बताया था जहाज से बाहर, तो वो भी बाहर गिर गए थे जहाज से, ठीक है. दो स्पेयर हैंड पंप्स थे वो, अलोंग विद द फोरस्टे सेल. फोरस्टे सेल के साथ, फोरस्टे सेल जो मेन सेल होती है, जीव जैसी जो स्टॉर्म जीव होती है, एक तो छोटी साइज की, जो बड़ी साइज की होती है वो फोरस्टे सेल होती है, ठीक है. जीव के साथ उनकी एक फोरस्टे सेल थी, एक जीव थी, और द डिंगीज, डिंगीज वही बोट्स वगैरह होती हैं, एंड द मेन एंकर, उनका जो मेन लंगर था. इन सब सामान के साथ दो जो हैंड पंप्स थे उनके स्पेयर, वो सब मतलब वर्थ ऑन ओवरबोर्ड, ठीक है. क्या क्या फेंका गया था, देयर टू स्पेयर हैंड पंप्स अलोंग विद फोरस्टे सेल, द जीव, डिंगीज एंड मेन एंकर वर्थ ऑन, सॉरी वो यस वर्थ ऑन ओवरबोर्ड. Now, I hope this is clear to all students. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. And then the narrator recalled that they had one more electric pump. They had another electric pump under the chart room floor. The chart room ka floor hai, उसके नीचे जो है एक इलेक्ट्रिक पंप और था. आई कनेक्टेड द राइटर मैनेज टू ब्रिंग इट एंड देन कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप. ही ब्रॉट दैट इलेक्ट्रिक पंप, वो लाया उस इलेक्ट्रिक पंप को, ही कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और बाहर पाइप से इसको जोड़ दिया, मतलब कि उसको जोड़ करके और उसके साथ जो पाइप अटैच था उस पाइप को बाहर छोड़ दिया पानी निकालने के लिए, ठीक है. एंड was thankful to find that it was, sorry, that it worked. And he felt happy and thankful that it was working. This electric pump was working. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. And their night passed, dragged on, chali gayi, beet gayi. The night passed with constant routine, cold routine, ठीक है, उसी रूटीन के साथ. कौन सी रूटीन, ऑफ पंपिंग, पंपिंग की रूटीन के साथ. देयर नाइट पास्ड विद कॉन्स्टेंट पंपिंग, कॉन्स्टेंट एक्सट्रैक्टिंग द वॉटर फ्रॉम द शिप, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो and means in doing navigation and working on the radio. In sab kaamon mein unka jo hai na unki raat bit gayi. We were getting no replies to our midday calls and they did not get any response to midday calls. Midday kya hota hai, matlab emergency ke liye calls hoti hain ye, theek hai. बहुत ही इमरजेंसी होती तो मेडे कॉल्स की जाती हैं. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. देयर मेडे कॉल्स मीन्स दे वर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स टू मेडे कॉल्स बिकॉज दे वर इन द रिमोट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. वर्ल्ड के रिमोट एरिया में थे वो एंड इट वॉज अ कॉमन थिंग टू लूज कनेक्शंस देयर. स्यूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली. The writer's daughter, sorry, the head of the writer's daughter had swollen to a great extent, ठीक है. Alarmingly का मतलब threateningly, ठीक है, डराने वाली बात भी थी, खतरे वाली बात थी. तो इतना ज़्यादा उसका सिर जो है वो
सूझ गया था. शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, शी हैड टू बिग आईज एंड बड़ी बड़ी आंखें थी वैसे. नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म एंड नाउ शी शोड अ डीप कट ऑन हर आर्म. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडन मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अ सोल. एंड व्हेन द नैरेटर आस्क्ड यू व्हाई शी डिडंट मेंशन अबाउट her further injuries, her more injuries, then she replied boldly that she didn't want to divert his attention when he was trying to save them all. She didn't want to create a problem for him when he was making efforts to save their life. ठीक है, तो ये मतलब see her bravery, उसकी बहादुरी देखिए. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराई वो, और पापा को उसने डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझा. ठीक है, चलते हैं आगे. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. सो बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3 दे हैड डिक्रीज द वाटर लेवल एंड द वाटर लेवल वाज नाउ अंडर मींस द वाटर वाज नाउ अंडर कंट्रोल एंड कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन. एंड now they took rest, each took rest for 2 hours turn by turn rotation mein na, turn by turn unhone aaram bhi kiya. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, but the writer perceived that there was a tremendous leak, actually there was a big leak actually below the water line, below the surface of water. वोटर का जो सरफेस था, सतह थी, उसके कहीं नीचे, क्योंकि पानी तो अभी कम तो हो गया था पर पूरी तरह से कम नहीं हुआ था, तो पानी की सतह के नीचे कहीं पर एक बहुत बड़ा वो था, लीकेज था कहीं पर. ठीक है, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स. सो स्टूडेंट्स, आई कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.